पुलिस ने एक युवक को डंडे से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक और महिला के साथ करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब पुलिस महकमा कार्रवाई करने की बजाय वीडियो को ही फर्जी बताने पर आमादा है, जबकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अक्सर मामले पर कार्रवाई करती है। लेकिन यहां पुलिस अधिकारी बेरहमी से पीटने वाले अपने ही कर्मचारियों को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। कटनी जिले के बड़वारा क्षेत्र में युवक को बेरहमी से पीटने का वीडियो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां फरियादी की पत्नी और भाई के साथ बड़वारा थाने के पदस्थ ASI रवि शुक्ला, जयपाल सिंह, रघुवीर सिंह, आरक्षक विजय चढ़ान ने लाठी डंडों से जमकर मारपीट की, जिसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरी घटना को देखते हुए उनका दर्द महसूस करने वाली पीड़ित की पत्नी सपना यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरी घटना 20 मार्च 2023 की है। मामूली सी बात को लेकर मेरे पति मोलाई यादव के साथ गांव के ही दुखी नाम के युवक ने लाठी डंडों से मारपीट की थी। मारपीट में पति को गंभीर चोट आने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमने भर्ती कराया था। इस बीच मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस वालों ने अस्पताल के अंदर घुसकर मेरे साथ गाली गलौज कर मारपीट करना शुरू कर दिया। बीच बचाव के लिए जब मेरा भाई सुरेंद्र यादव आया तो उसको भी बेरहमी से पीटते हुए थाने ले गए, जहां बची कुची कसर भी पुलिस ने डंडे और जूते से कुचल कर पूरी कर ली। पीड़ित महिला ने यह भी बताया कि थाने में विपक्षी दुखी यादव का चाचा लंबे समय से लेखा जोखा का काम करता है। उन्हीं के कहने पर पुलिस ने हम सभी के साथ मारपीट की और हमारे ऊपर कई बड़ी धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज कर दिया। अस्पताल का है, ये हमारे भाई को मार रहे हैं, सुरेंद्र कुमार यादव को मार रहे हैं और हमको भी मार रहे हैं। मारपीट दुखी के चाचा ने भेजा था पुलिस वालों को, जेंट्स पुलिस वालों को भेजा था। शिकायत कहाँ करेंगे, हमारे कहीं न्याय मिलने वाला नहीं है। हम इतना डर गए हैं कि हमारे कहीं जाने की हिम्मत नहीं पड़ती, हमको किसी से शिकायत करने की वो पड़ती है हमारी हिम्मत। वायरल वीडियो के बारे में जब थाना प्रभारी अनिल यादव से पूछा गया तो वीडियो को सिरे से खारिज करते हुए हमें कोई जानकारी नहीं कहकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में अब एक गरीब परिवार कहां जाए, कौन उनकी सुनेगा, क्या इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखिए, सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें मैंने भी देखा है, वो वीडियो कब का है और कहां का है इसकी पुष्टि नहीं है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।